नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सुषमा ब्लॉग में स्वागत है गाइस। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ब्लॉग पे बने रहिए। हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो आप ब्लॉग पे बने रहिएगा तो पता चलेगा, और हमारे साथ कंटिन्यू ब्लॉग पे रहिए। और सो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा गाइस, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए, तो ये देखो हमारे पतिदेव जी तैयार तैयार हो चुके हैं और फिलहाल हमारी बेड वगैरह जैसे तैसे सजाया गया है, इस तरह से रखा हुआ है। ये हमारा चौकी है और जो बड़ा वाला पलंग है हमारा दीवान पलंग, उसमें डाल दिए हैं और आ चुकी है। हम लोग रेडी सेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं। चलो, और फिलहाल मेरे को बहुत ये भी अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। बुरा क्यों लग रहा है कि हमने सोचा था कि चलो गाड़ी से आए हैं और अपने मम्मी जी को ले जाएंगे, चढ़ाएंगे। और फर्स्ट ड्रीम अपना अपना बच्चा को अपने माँ बाप को ही चढ़ाना होता है, मतलब ये भी था। तो चलो ताला वगैरह लगाते हैं और उसके बाद चलते हैं। पावर बैंक देख सकते हो, अगर कहीं बाहर निकल रहे तो पावर बैंक चाहिए, और इसके लिए अपने मोबाइल पावर बैंक निश्चित लेना जरूरी होता है। और घर आ चुकी हैं हॉस्पिटल से, खाना खा रहे हैं और ये देख सकते हो समय को कहाँ जाती माए बोलो, कैसे कैसे यहाँ होता है। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं पड़वा मोड़, और पड़वा बाजार है ये देख सकते हो, छोटा मोटा पड़वा बाजार है ना गुरु, ये छोटा मोटा पड़वा बाजार बाजार। अच्छा ठीक है, देख सकते हो आ चुके हैं चेगौना धाम। और चेगौना धाम आने के बाद में इधर पूजा पाठ यहाँ पे करवा लेंगे गाड़ी को, और यहाँ देख सकते हो और भी गाड़ी यहाँ पे आकर के इधर पूजा पाठ हो रही है, और यहाँ पे हमारी गाड़ी लगी हुई है साइड में लगा दिए हैं ये देखो। और चेगौना धाम के बारे में गुरु बताएगा, गुरु कहाँ कहाँ पे पड़ता है थोड़ा सा बता दो, कहाँ कहाँ पड़ता है बता दो, कहाँ है चेगौना धाम। छतरपुर से पीछे है, छतरपुर के एरिया में पड़ता है ना, नवा बाजार के एरिया में पड़ता है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे। और हम लोग पूजा उजा करा करके पूजा प्रसाद वगैरह लेना है, और मेरा राजन थोड़ा सा झाड़ झूड़ कर रहा है पूरा, काफ़ी हमारी गाड़ी गंदा हो चुकी है, ठीक है थोड़ा सफाई कर ले रहा है, पूजा करना है ना। मंदिर यहाँ पे दुगो। हट, नहीं जाना है, कहाँ फोटो खींचे।
कड़िया में है। चलबे कैले रहो गड़िया। जेंस दहिना और गाइस यहाँ पे खाना पीना का व्यवस्था भी हो जाता है और आप पूजा वगैरह करके खा सकते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा क्राउड है और इसीलिए पूरा ये देख सकते हो, यहाँ पे हर जगह पे पूजा पाठ की ये देख सकते हो सामग्री मिल जाएगी आपको यहाँ पे। और यहाँ मिल जाएगा छोटा मोटा थम्सअप पानी और छोटा मोटा होटल भी है यहाँ पे, देख सकते हो इस तरह से। आप यहाँ पर गए बाबा के दरबार में आ रही है और इस तरह से यहाँ पे नज़ारा लुक और यहाँ का व्यू देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से है विवाह मंडप। और वहाँ देख सकते हो यहाँ पे विवाह मंडप भी है, शादी वगैरह होती है। और जहाँ पे यहाँ पे ना अगर खसी वगैरह कटाया जाता है, कटता है तो उधर में जाकर के साइड में वहाँ पे बनाया जाता है उस साइड में, वो देख सकते हो। इधर मैं दिखा रही हूँ मैं आपको और ले चलती हूँ इधर पीछे की ओर, इस साइड में पूरा यहाँ पे शायद मैं दिखा दे रही नहीं था दुकान। और फिलहाल में इस तरह से अभी इसका लुक चेंज हो गया है, मैं रोड के किनारे ही किनारे आपको बता रही थी। और बहुत सालों की बात है यहाँ पे मैं आई थी ना खाना, मतलब ये कुछ खांसी वगैरह लेकर के आए थे तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे पेड़ के पास ना, बंदर यहाँ पे बहुत काफ़ी रहा करते थे और हम लोग खाए थे बंदर को पूरा। यहाँ पूरा पेड़ पौधा है इधर सामने में देख सकते हो यहाँ के व्यू। और ये फिलहाल से ऐसे लगा हुआ है, इस तरह से पहले नहीं था इधर। तो गाइस चल रहे हैं यहाँ से घर की ओर और मैंने यहाँ पे ब्लॉग शूट करा और हमारे पतिदेव जी देख सकते हो उधर आ रहे हैं और प्रॉपर लग रहे हैं कि पंडित है, पंडित जी आ रहे हैं। कैसा लग रहा है कमेंट, कैसे लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा किस तरह से लग रहे हैं। ये देख सकते हो हम लोग खाना इधर नाश्ता पानी करने आए हैं, नाश्ता कर लेते हैं और चावल भी बनाते हैं भाई, चावल भी बनाते हैं। हाँ हे गाइस यहाँ पे देख सकते हो पूजा वगैरह कर लिए हैं, पूजा करने के बाद यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो मॉर्निंग के टाइम है ना, यहाँ पे चावल वगैरह नहीं बना था तो लिट्टी और सब्जी था तो बहुत वाकिफ में बहुत टेस्टी लग रहा था। और मैं क्या की थी ना, थोड़ा सा फीका था लेकिन उसमें ना चाट वगैरह और ये नमक वगैरह मिला करके और मिर्चा प्याज मिला करके इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिए थे तो चाट जैसा बन चुका था। और ये खस्ता वाला लिट्टी था ना, और मतलब इस तरह से उसको बनाए थे, चाट जैसा ही बना दिए थे, लिट्टी था लेकिन चाट ही बना दिए थे। और यहाँ पे आने के बाद में मेरे को ठंडा पीने का मन कर रहा था, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे आकर के आप ले लीजिए, अंदर में था तो यहाँ पे उतना लाइट वगैरह भी नहीं था लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ये देख सकते हो मैंने ले ली हूँ और ठंडा तो स्प्राइट वगैरह। और यहाँ पे आकर के बोल रहे थे कि मतलब कुछ ऐसे बात हो तो हंस रहे थे हम लोग। और यहाँ पे हर गाड़ी जब पलामू साइड के और खरीदाती है ना तो यहाँ पे हर गाड़ी आती है पूजा करने के लिए। ऑलरेडी मैं पूजा करा चुकी थी देवड़ी मंदिर, उसका ब्लॉग चल ही गया होगा। तो मेरे सासू मम्मी बोली थी ना कि आप चले जाओ यहाँ पे पूजा करवा करके आ जाओ, और मैं सोची थी कि मम्मी जी को ले जाऊँगी पूजा कराने के लिए कहीं भी चिकाना था हमें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उनको तबीयत ख़राब हो चुका था ना, इसके वजह से मैं गाड़ी पे उनको यहाँ घुमाने के लिए नहीं ले पाई। और गए जी यहाँ पे ना विवाह मंडप है, वहाँ पे शादी हो रही थी तो हम लोग ना घूमने चले गए थे विवाह मंडप के पास में। और थोड़ा थोड़ा सॉन्ग आएगा आपके पास कि किस तरह से यहाँ पे सॉन्ग है। और हम लोग ना ऐसे खाते पीते हुए जा रहे हैं विवाह मंडप की ओर और हमारे पतिदेव जी आगे आगे
और गैज मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ, 3:30 हो चुका है, लगभग 4 बजने वाली है। तो मैं पूरा अभी मिल करके एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ और देख सकते हो मैं पहुँच गई हूँ विवाह मंडप के पास। तो यहीं पे दूल्हा दुल्हन आ रहे थे तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ किस तरह से ऐसे तो खूब काफ़ी भीड़ भाड़ भी लग रही है और यहाँ पे सॉन्ग वगैरह भी बज रहा है और देख सकते हो यहाँ पे शादी होती है और यहाँ पे ना बहुत मतलब व्यवस्था अच्छा ही है, पहले ऐसे नहीं था, फिलहाल में इस तरह से बना गया है। और पहले कुछ सालों की बात, पहले मैं आई थी तो ऐसा नहीं था, यहाँ पे विवाह मंडप वगैरह नहीं था और काफ़ी चेंज हो चुका है इस तरह से यहाँ पे। और गाइस बहुत मतलब मेरे को ना हे गाइस, यहाँ पे ना शादी का ये है, विवाह मंडप है, ये देखो यहाँ पे विवाह मंडप है और यहाँ पे सारे लोग आते हैं शादी विवाह भी, और देख सकते हो यहाँ पे विवाह ही होने वाला है शायद, ये सारे लोग आए हुए हैं, शादी होगी यहाँ पे। तो फिलहाल ये देख सकते हो यहाँ पे पूरा दूल्हा दुल्हन रहेंगे, दुल्हन यहाँ पे तैयार होगी और ये देख सकते हो यहाँ पे रूम बाय रूम बनाया गया है, इधर से ऐसे आथरूम बाथरूम करीब सब होगा यहाँ पे अंदर। और हमारे पतिदेव जी उधर जा रहे हैं और फिलहाल हम लोग इधर ब्लॉग व्लॉग कर लिख चुके हैं। और ये देखो आप लोग किस लिए आए हो यहाँ पे, शादी में आए हैं? अच्छा शादी में आए हैं ना, तो दुल्हन चली गई है कि दुल्हन ओ दुल्हन दूल्हा पक्ष है आप लोग? हाँ। अच्छा हे गाइस, यहाँ पे ना दुल्हन आ चुकी है, दुल्हन आने के बाद में पूरा सॉन्ग वगैरह बज रहा है, सामान वगैरह भी आ चुका है। और वीडियो कैसा लगता है, वीडियो को लाइक कमेंट बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। दुल्हा आ चुकी